good morning students welcome to my channel fine arts with Suresh today we are here to discuss about a painting that was made in Pahadi school the name of the painting is Nand Yashoda and Krishna with kinsman going to Vrindavan here is the picture on your screen you can see in the picture Many peoples are migrating from one place to another. Okay. Look at this picture. Seen? Okay, let us come to the point. The name of the painting is Nanda Yashoda and Krishna with kinsman going to Vrindavan. nand Yashoda and Krishna with kinsman. It means Nand, Yashoda both husband wife and Krishna his uh, their son with kinsmen, gauvale uh, going to Vrindavan. They all are migrating from one place to Vrindavan. Who is the uh, artist? Was Nain Suk, medium watercolor tempera on paper, period uh, seventeen eighty five to nineteen eighty. This painting was made in between this. Period okay, and the size of this painting is 35.5 into 27.5 centimeter. It's a very small painting. School, Kangra School of Art. It is the sub school of Pahadi School, okay? Katsi National Museum New Delhi. Let's come to the subject matter. The painting is based on the story of Bhagavat Puran showing Nand, Yashoda, and Krishna with kinsman in a scene from their journey while migrating from Gokul to Vrinda. All these peoples are migrating themselves from Gokul to Vrindavan. Nand, a chieftain. ऑफ़ दिस ऑफ हिज टाउनशिप वॉज एडवाइज बाय हिज़ पीपल टू शिफ्ट वृंदावन क्लोज़ टू गोवर्धन हिल इस वक्त मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि जो uh, जो नंद हैं यहाँ पे जो कि इस गाँव के चीफ भी कहलाए जाते हैं उन उनको गाँव वालों ने सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप और हम सब यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ से चले जाते हैं पास ही में वृंदावन है जो कि गोवर्धन हिल के पास क्यों कहा ये आगे पढ़ते हैं कंक्स कोट वाज़ नियर गोकुल ही वाज़ मेकिंग रिपीटेड रिपीट टू हार्म कृष्णा कंक्स जो कि कृष्णा के मामा जी थे उन्होंने के बार बार अटैक जो उन्होंने कृष्णा को जान से मारने की जो कोशिश वो बार बार की थी इस वजह से जो किन्समैन यानी जो पीपल है वहाँ के गोकुल के उन्होंने नंद जी को ये एडवाइस किया कि प्लीज़ यहाँ से माइग्रेट करते हैं ताकि कृष्णा की जान बच जाए बट पीपल वॉन्टेड टू सेव देयर फ्यूचर सेवियर कृष्णा एंड फ्यू एंड सॉरी एंड न्यू दैट ही was नो ऑर्डिनरी ह्यूमन पीपल जानते थे कि वो एक uh, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है और वो इस वजह से उसको बचाना भी चाहते थे Now come कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग दिस पेंटिंग a ग्रुप ऑफ पीपल विद their कैटल एंड अदर बिलोंगिंग्स journeying टू वृंदावन इस पेंटिंग में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कैटल्स यानी अपने मवेशियों के साथ अपने पालतू जानवर काओ बुल्स के साथ किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं यानी कि वृंदावन को जा रहे हैं नंद नंद इज सीटेड ऑन अ बुलॉक कार्ट विथ डोम शेप्ड कैनोपी

ऑन द राइट साइड अ कार्ट इज़ कैरिंग अ बेबी कृष्णा उनके पीछे आप देख सकते हैं एक और कार्ट है जिसमें वो कैरी कर रहे हैं बेबी कृष्णा को कृष्णा जब छोटे थे तब की बात है ये अदर ए कंपनी कृष्णा आर पॉसिबली बलराम यशोदा एंड रोहिणी हिज स्टेप ब्रदर फो फॉस्टर मदर एंड स्टेप मदर रेस्पेक्टिवली उसके पीछे उसके साथ कृष्णा के साथ उनके पूरी फैमिली जिसमें कि उसके बलराम भाई उसकी मदर ये सब उनके साथ थे मैन एंड वोमन आर कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स इन बास्केट्स एंड टायर्ड क्लोथ बंडल्स जिसको हम हिंदी में गठरी भी बोलते हैं आइडर ऑन देयर हेड्स और शोल्डर्स

इस पोर्ट्रेड इन देअर हाफ क्लैड बॉडीज एंड सिम्पली ड्रेसड वुमेन सिम्पली ड्रेस वुमेन एंड हाफ क्लैड बॉडीज को देख कर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गोकुल वासी थे वो बड़े ही सिंपल लिविंग पे बिलीव करते थे द घाघराज ऑफ द वॉकिंग वूमन हैव कैरेक्टरिस्टिक हॉर्जेंटल स्ट्रिप्स जो घाघरा आप देखेंगे इसमें जो लेडीज ने पहने हैं उनमें हॉर्जेंटल स्ट्रिप्स भी बनाए गए हैं द लैंडस्केप इन द बैकग्राउंड शोज अ लाइन ऑफ ट्रीज है डिटेल्स ऑफ लीव्स ऑफ सॉरी लीव्स एंड ट्रंक्स कार्व्ड अलॉन्ग द पाथ विथ टू रॉक्स इन अ ग्रूव एंड टू बर्ड्स सिटिंग ऑन दम इस पूरी पिक्चर में जो पीपल्स मूव कर रहे हैं उनके साथ ही थोड़ी सी ऊपर की तरफ कुछ ट्री ट्रंक्स भी दिखाए हैं उनमें uh, कुछ लीव्स भी शो की है कि उनकी डिटेलिंग्स भी शो की है उनके बीच दो बोल्डर्स यानी बहुत बड़े रॉक्स भी दिखाए गए जिसके ऊपर दो बर्ड्स भी बैठी हुई हैं तो कहने का मतलब इस पिक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने पीछे हल्का सा सीनरी भी ऐड किया है ओके ईच फेस इज केयरफुल स्टडी ऑफ पोर्ट्रेचर वेर इन मोस्ट ऑफ द फेसिस आर एक चश्मा पोर्ट्रेचर यानी कि सभी फेस में कहीं ना कहीं हल्का सा एक्सप्रेशन शो करने की कोशिश की गई है और ऑलमोस्ट सारे पिक्चर्स जो हैं इसमें जो फेसेस बनाए गए हैं वो एक चश्मा एक चश्म का मतलब तो आपको पता है प्रोफाइल पिक्चर यानी कि वन साइड पिक्चर एंड काउज़ आर रियलिस्टिकली डिपिक्टेड विथ डिस्टिंक्ट साइज ऑफ हॉर्न्स अलग अलग काउज़ बनाए हैं इसमें बहुत ही रियल तरीके से जो उनके एनाटोमी होनी चाहिए वैसी ही बनाई गई है और उनमें अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के हॉर्न्स भी बनाए गए इवन स्किन कलर्स एंड अदर एनाटॉमिकल डिटेल्स जो डिफरेंट uh, काउज है तो डिफरेंट काउज में अलग डिफरेंट कलर्स भी शो करने की कोशिश की गई है डिटेलिंग्स के साथ कम टू द कलर स्कीम द लाइन्स डिफाइनिंग द कलर्स सॉरी द the, the are thin एंड delicate। जो इसमें जो लाइंस बने क्योंकि देखिए पहली बात कि पेंटिंग साइज़ बहुत ही छोटी है क्योंकि ये मीनीचर पेंटिंग है अब इसमें जो आर्टिस्ट है नैन सुख जी ने बहुत ही फाइन लाइंस का यूज़ किया है अगर फाइन लाइंस यूज़ ना करें तो पेंटिंग्स में इतनी डिटेलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी The painting has a very subtle appeal due to its color. Color बड़ा ही bright uh, नहीं है, uh, जिसमें different चटकीले colors use नहीं किए हैं. सारे colors जो हैं वो shoes में हैं, जिनको देखके एक uh, एक single uh, single uh, monochromatic की effect दिखाई देगी आपको. They are neither too bright nor too gaudy, but still very lively. क्योंकि आ, पेंटिंग को इन्होंने बहुत ही नेचुरली और फिगरेटिव बनाई है तो इन्होंने उस मूड को उस आ, उस थीम को एक्जैक्टली exactly डिपिक्ट करने की कोशिश की है जो उस वक्त हुआ होगा तो इस वजह से ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं कि ऐसा फील आ रहा है कि वाकई में एक रियल आ, जो है वो घटना ऐसी रही होगी द स्काई ब्लू रिवर बिहाइंड द लाइन्स ऑफ ट्रीज लाइट ऑकर कलर ऑफ ग्राउंड एंड कैटल्स cattle आर इन early कलर्स whereas द फिगर्स आर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स देखिए ऑकर कलर यहाँ पे आपको देख रहे ट्रीज़ और पीपल के बीच में एक हल्का सा येलो ऑकर का शेड दिया गया है ठीक और उसमें फिर कैटल्स को थोड़ा सा डिफरेंशेट किया गया है kettles और कैटल्स और बैकग्राउंड कलर एक जैसा हो जाता तो फिर उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता तो इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी किया गया है बट जो फ़िगर्स इसमें बनाए गए हैं उनको थोड़ा सा ब्राइट रखा गया है ताकि जो फिगर्स हैं क्लियरली देख सकें हम दिस पेंटिंग ऑफ कांगरा स्कूल हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ डेलिकेट लाइन्स एंड कलर ट्रीटमेंट बाय द मास्टर आर्टिस्ट नैन सुख ये पेंटिंग वाकई में बहुत ही खूबसूरत है ये सभी से थोड़ा सा अलग इस वजह से भी है क्योंकि इतनी छोटी पेंटिंग्स में कई फिगर्स को बड़े ही डिटेल्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसमें एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे से शो करने की कोशिश की गई है पीपल्स आर माइग्रेटिंग विद देयर थिंग्स हाउस होल्ड थिंग्स वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से शो करने की कोशिश की गई तो हम कह सकते हैं कि दिस पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ डेलीकेट लाइन्स एंड कलर ट्रीटमेंट बाय द मास्टर आर्टिस्ट एंडसुक ये लाइन्स इसी लिए बोल्ड अक्षरों में दिखाया गया है क्योंकि ये पूरी पेंटिंग को जस्टिफाई करता है ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे